नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। आपसे बता दें बिहार में यानी कि 3 माह के अंदर 1,99,000 भर्ती को पूरा करना है, पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और ये किस किस विभाग में होगा इस बात को समझ लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहां पे साफ तौर पर लिखा गया है, बिहार में नौकरी और रोजगार की बहार, मुख्यमंत्री ने 7 निश्चय पार्ट 2 में बचे हुए हिसाब को मिशन मोड में पूरा करने को कहा। और अब तक 22 लाख रोजगार सृजित अगले 3 माह में 1.99 लाख व मार्च 2025 तक 5.17 लाख नौकरी। यानी कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 3 माह यानी कि जून चल रहा है, जुलाई अगस्त और सितंबर तक की बात करिए, थोड़ा सा 1 माह और बढ़ा दीजिए, अक्टूबर तक की बात कीजिए, तो अक्टूबर तक में आप लगभग बिहार में बिहार सरकार के द्वारा 1.99 लाख नौकरी की वादा को पूरा किया जाएगा। इसमें शिक्षक भर्ती TRE3 भी है और TRE4 भी है, इस बात को समझिएगा। TRE4 को भी काउंट किया जाएगा इसी में, यानी 3 से 4 माह में TRE4 भी क्लियर करने का प्रयास सरकार कर रही है और मिशन मोड में सभी लोग लगे हुए हैं, इस बात को समझ लेंगे। यानी कि केवल और केवल 3 माह में यदि आप जॉब करना चाहते हैं तो अभी से भी हाथ धोकर लग जाइए, अच्छा तरीका से पढ़ाई कीजिए, सही तरीका से मेहनत कीजिए, सही डायरेक्शन में तैयारी कीजिए, तो आपके पास एक सरकारी जॉब होगा। यहां पे दूसरा तरीका देखिए, एक बहुत बड़ा समस्या आ रहा था पेपर लीक को रोकने के लिए, जो बिहार में बार बार पेपर लीक हो जा रहा था। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो पेपर लीक कराकर, और बहुत सारे ऐसे शिक्षा माफिया थे जो पेपर लीक कराते थे और स्टूडेंट से डील करके 10 लाख 5 लाख में उनको बेच देते थे, और जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं उनको नौकरी नहीं लगता था। इसको लेकर एक सख्त कानून इस बार तुरंत बनने जा रहा है, तो इस बार से आप समझ लें बिना तैयारी का कोई गुंजाइश नहीं है। और एक बात मैं बता दूं, TRE3 को लेकर जो विद्यार्थी टेंशन में चल रहे हैं कि एग्जाम क्या होगा, अपरिहार्य कारण लिखा गया है, कहीं बढ़ जाएगा या क्या होगा, तो आपका एग्जाम तय समय सीमा पर होगा, इस बात को समझ लें और तैयारी में लग जाएं। आपसे बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि सर क्या सच में TRE3 में परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो आवेदन किए हैं सबको एडमिट कार्ड जारी होगा। गांधी ऑफिसर अकेडमी लेकर के आए हैं मिशन बिहार दरोगा। हमें ऐसे 50 जुनूनी बच्चे चाहिए जिनके सर पर सवार है बिहार दरोगा का भूत, जिनका पहला प्यार है वर्दी, और वर्दी के लिए वो दिन रात एक करने को है तैयार। तो ऑफिसर अकेडमी ढूंढ रहा है आप सब में से 50 ऐसे हुनर बच्चों को। हम उनको पूरी तैयारी कराएंगे ऑफलाइन में, फ्री में। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए फॉर्म को फिल कीजिए और नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, पूरी तैयारी निशुल्क। अगर आप में है जुनून तो वर्दी का सपना पूरा कराएंगे हम आपको साथ मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग एग्जाम देंगे, आप जैसे अंक लाइएगा, जिस तरीका से करिएगा वो उस पर निर्भर करेगा, वैसे आपका स्कोर बनेगा। बहुत सारे विद्यार्थी जो फर्जी शिक्षक बने हुए हैं चाहे किसी भी विभाग में, उनको छटैया का काम चल रहा है और वह चलते रहेगा। अब यहां पे आप देखिए पेपर लीक को लेकर क्या है, पेपर लीक को है राज्य में सिपाही भर्ती, शिक्षक भर्ती, नियुक्ति जैसे नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षा में गड़बड़ी, कदाचार व प्रश्न पत्र लीक के बदनामी से उभरने के लिए सरकार ने यह रोकने का प्रयास किया और सख्त कानून बनाने का हिदायत दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस कानून को लेकर अगले विधानसभा में बिल पास किया जाएगा, और उन्हें कहा कि इसको समय पर यानी तय समय पर सब कुछ निपटारा किया जाएगा, किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वह चाहे पेपर लीक हो या इसके अलग से सख्त कानून फिर से बनेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि विभाग को निर्देश दिया कि पेपर लीक से जुड़ी जितनी भी गड़बड़ियां है उस पर सभी पर नकेल कसा जाए। सबसे पहले एक बात बता दें आपको, साफ सभी विभाग को निर्देश है इस काम को अगले 1 माह में पूरा करने का, अगले 1 साल में पूरा करने का। 3 माह का तो लक्ष्य रखा गया है 1.99 सरकारी नौकरी, और अगले 1 साल में 5.17 लाख नौकरी का इन्होंने सबको निर्देश दिया गया है। उसमें आपसे बता दें सभी, बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि केवल टीचर भर्ती होगा, नहीं, बीएसएससी सीजीएल है, बीएसएससी इंटर लेवल है, और आपसे बता दें दरोगा है, इन सारे वैकेंसी को लेकर जो भी सीट खाली है, बहुत सारा ऐसा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग, सभी में भर्ती आएगी। तो इसलिए जो भी जिनके पास भी इंटर किए हैं, मैट्रिक किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, ग्रुप डी की भी भर्ती बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। बिहार में बीएसएससी के माध्यम से ग्रुप डी होगा,
उसका भी अधियाचना चल रहा है, उसका भी पूरा जांच पड़ताल चल रहा है, कितना सीट कहां खाली है। बहुत ऐसा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा लाइब्रेरियन को लेकर। और एक बात मैं बता दूं, जैसा कि आपको मालूम है लगभग 27 से 28 सालों में बिहार में किसी भी यूनिवर्सिटी में ग्रुप डी ग्रुप सी की बहाली नहीं हुई है। वहीं आप चले जाइए लगभग 27 से 28 साल तो किसी भी ब्लॉक में ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती नहीं हुई है। उसका भी पूरा एक तरीका से ब्यौरा करके और उसके बाद से उस पर भी ग्रुप सी ग्रुप डी की भर्ती आएगी जो कि एक बड़ी संख्या में होगी। तो इसलिए जितने भी विद्यार्थी हैं और अभी तक का जो डाटा है उसके अनुसार से बिहार में जो भी भर्तियां निकलती है उसमें ऑल इंडिया से कोई भी विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। यानी कि वर्तमान परिस्थिति को देखिए तो अभी तक कोई डोमिसाइल लागू नहीं है। तो जो भी विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, वो तैयारी कर सकते हैं। और एक बात मैं